हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए तो हम लेके आए हैं आज आपके लिए लौकी के कोफ्ते। ये मैंने आप लोगों को दिखाया है किस तरह से इसको बनाएंगे। दोस्तों मैंने देसी घी डाला है, आप लोग की टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। देसी घी बहुत अच्छा लगता है। ये पहले जो बनाते थे हम लोग सिंपल तरीके से, उस तरह से हम बनाएंगे। चलिए तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये एक लौकी ले लिए है, आधा केजी की लौकी है, दो टमाटर है, दो प्याज है, दो लहसुन की कलियां हैं, 6 से 7 हरी मिर्च है। हरी मिर्च में 2 लाल मिर्च भी हैं जो हम, ये ग्रेटर ले लिया है मैंने, लौकी को ग्रेट कर लेंगे। कुछ ग्रेवी बनाएंगे, कुछ का हम ग्रेट करेंगे, जैसे चॉप करेंगे ग्रेट करेंगे। लौकी ग्रेट कर ली है, प्याज चॉप कर लिया है, मिर्चा 2-3 मिर्चा चॉप कर ली है, लहसुन को भी हमने ग्रेट कर लिया है। इधर हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं, बाकी कोफ्ते का साइड में रख देते हैं, बाद में दिखाएंगे, बताएंगे किस तरह से मैंने सामान कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं। ये इसके लिए पेस्ट बना लेते हैं। पहले 2 लाल मिर्चा ले लेंगे, 2 लहसुन की कलियाँ और 1 प्याज कट करके इसमें डाल देंगे जार में। इसे ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। इसको बाउल में ट्रांसफर कर देंगे, टमाटर की हम प्यूरी बना लेंगे। टमाटर की प्यूरी तैयार है बनके दोस्तों। अब हम कोफ्ते की तैयारी करते हैं। प्यूरी को साइड में रख देते हैं उठा के। इधर हमने सारा प्याज जो हरी मिर्च और लहसुन जो ग्रेट किया था वो सब इसमें हम डाल देंगे। आप अदरक भी डाल सकते हैं दोस्तों, मैंने अदरक नहीं डाली थी, अदरक मेरे पास थी नहीं। हल्दी डालिए, नमक डालिए, मिर्चा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, जो हम लोग मसाले डेली यूज़ करते हैं सब्जियों में वही हम इसमें डालेंगे। आप थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हैं इसमें, या नहीं है तो आमचूर है, अगर आमचूर पाउडर है तो वो डाल सकते हैं। इधर मैंने हींग डाली है, 1 चम्मच घी डालेंगे इसमें। और इधर ये मसाला भी हमने डाला जो कल कचौड़ी का वीडियो मैंने शूट की थी, इससे पहले वाली में, उसमें मैंने कचौड़ी का मसाला बनाया, वो 1 चम्मच डाला है, घी डाल दिया मैंने। इधर डालेंगे बेसन 1 चम्मच, 1 से 4 चम्मच मेरी पड़ी है इसमें मेरे कोफ्ते में, क्योंकि जो मैंने जो कोफ्ते बनाए थे उसमें मैंने लौकी का पानी निचोड़ा नहीं था, उसी पानी में ही लौकी मतलब कद्दूकस की थी, जो मैंने ग्रेट की थी उसी में ही मैंने सारे जो मसाले थे सूखे और बेसन सब उसी में मिलाया है। बाकी पानी निचोड़ भी सकते हैं आप, लेकिन मैंने कहा जैसा कि आप हम बनाने चल रहे हैं पुराने तरीके से, जैसे सिंपल तरीका, जैसे पहले लौकी के कोफ्ते बनते थे इस तरह से ही बनते थे, अब तो कई तरीके हो गए दोस्तों। चलिए इधर कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है, इधर हम कोफ्ते की तैयारी करते हैं। इसको आप इस तरह से हल्का गोल्डन ब्राउन में सेक लीजिए धीमी आंच पे, बहुत तेज नहीं करना है, गैस की फ्लेम लो से मीडियम रखना है। इनको हम सेक लेंगे, तब तक हम इधर क्या कर लेते हैं, जो हमने पेस्ट हमने प्याज जो पीसा था ना, मसाला जो है इनका, प्याज हरी मिर्च और लहसुन, ये भुन जाएगा। इसके बाद ये कोफ्ते फ्राई हो रहे हैं, इधर हम प्याज वगैरह इनको पलट ले, बस पलटने के बाद तब तक हम प्याज का इधर पेस्ट ले लेंगे, इसमें मसाले निकाल देंगे ताकि मसाले हमारे पेस्ट में सोख हो जाए अच्छे से, मतलब फूल जाए। मसाले में डालने के बाद इसको मिला के रख देंगे तो मसाले जो है वो अच्छे से फूल जाएंगे, क्योंकि हम पिसे हुए ले रहे हैं दोस्तों। अगर आप लोगों के पास सिल आप यूज़ करना चाहते हैं, सिलबट्टा जो होता है उसमें अगर साबित मसाले अगर पीसना चाहें तो और सब्जी में टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन अब सिल कौन यूज़ करता है, सब मिक्सी में ही ग्राइंड करते हैं पेस्ट, किसी किसी के पास नहीं होता है, किसी के पास होता है, मेरे पास है लेकिन मैंने अभी मिक्सी से ही ग्राइंड किया है। ये देखिए मैंने कोफ्ते वाले पकौड़े ये सेक लिए हैं, आप इनको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। इधर सेम कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है थोड़ा सा सरसों का, अब इसमें हम सब्जी अपनी छौंक देंगे। इधर डालेंगे थोड़ा सा जीरा और हींग, हम
तेल में, तेल गरम हो गया है तो तेल जीरा डालेंगे और हींग डालेंगे। और फिर इसी में ये मसाला जो दिखा रही थी मैं आपको, प्याज वाला पेस्ट, ये सारा इसी में छोड़ देंगे तेल में ही, और धीमे धीमे फ्राई होने देंगे। अच्छे से फ्राई कर लेंगे सारा। ढक के भून लेंगे इसको थोड़ी देर के लिए, ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि हमारा मसाला जो है वो तेल रिलीज कर सके। ये देखिए तेल रिलीज हो गया इसमें से, अच्छे से ऑयल हमारा, देखिए दोस्तों कितने अच्छे से भुन गया मसाला हमारा, तेल एकदम से छोड़ दिया मसाले ने हमारे। अब इसमें टमाटर की जो प्योरी रखी थी वो भी हम डाल देंगे। अब इसको भी भून लेंगे। आप पेस्ट को साथ में भी, टमाटर को साथ में भी भून सकते हैं, मतलब सारा सामान जो हमने पीसा था वो सब इकट्ठा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि धीमे धीमे डालेंगे तो धीमे धीमे अच्छे से भूनता है तो सब्जी में अच्छा सा टेस्ट आता है। इधर हम भूनने देंगे, ढक के से भून लेंगे थोड़ी देर, 3 से 4 मिनट तक, धीमी आंच में, जैसे कि मैंने बताया 3 से 4 मिनट तक भूनना है, तो धीमी आंच बिल्कुल एकदम लो फ्लेम, हाई नहीं करना है, मीडियम भी नहीं रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और ये देखिए अच्छे से मसाला हमारा तेल छोड़ चुका है, सारे मसाले भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे पानी, तो जो हमने कोफ्ते बनाए थे ना उसका पानी बचा था, ये बेसन का है ना पानी, तो ये हम इसी में मसाले में ही डाल देंगे ताकि ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो जाए। अगर बेसन आप पानी ना डालना चाहें तो इससे हम आटा भी लगा सकते हैं दोस्तों, और बेसन हम 1 चम्मच मसाले में भून सकते हैं। ग्रेवी अच्छी और टेस्टी बनने के लिए, रिच बनने के लिए आप 1 चम्मच बेसन बेसन तेल में भून लीजिए, जीरा हींग डाला था तभी आप 1 चम्मच बेसन को भून लीजिए, और भून के तब मसाले सारे भूनिएगा, तो भी अच्छी बनती है, देख लीजिएगा आपको जैसा ठीक लगे। मैं बता रही हूँ वैसा कि, वैसे तो आजकल सभी जानते हैं कि बेसन से सब्जी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है। ये हमने ढक दिया इधर, ढकने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए ग्रेवी हमारी कितनी अच्छी गाढ़ी बन के तैयार है दोस्तों। अभी कोफ्ते इसमें नहीं डालेंगे, कोफ्ते जब हम जब खाने के लिए लगाएंगे थाली तब हम डालेंगे, क्योंकि कोफ्ते हम कढ़ाई में अगर डालेंगे तो सब ग्रेवी जो है सब सोख कर लेंगे कोफ्ते। तो इधर कोफ्ते हमने लगा लिए हैं बाउल में, थोड़े से लगाए हैं ताकि सारे कोफ्ते में ग्रेवी मतलब सोख ना करें, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको ऐसे रख देंगे तो ये सोख हो जाएंगे अच्छे से। इधर हमने धनिया डाल दिए दोस्तों, धनिया से गार्निश कर लीजिएगा। आइए आप लोगों के लिए मैंने थाली लगाई है, रोटी है, इसमें घी लगाएंगे, आप लोग भी टेस्ट करिए दोस्तों, बना के देखिएगा मेरे तरीके से। आप लोगों को मेरा तरीका ज़रा सा भी अच्छा लगे प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मेरी फुल वीडियो वॉच कीजिएगा। एक बार फिर कहती हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।